मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत इंदौर में आयुष्मान योजना में निःशुल्क इलाज कराने वाले अस्पताल संचालकों और मालिक के साथ सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसी सिलावट ने AICTSL में बैठक ली। दरअसल इंदौर शहर में कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक उनके द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में इंदौर शहर के 77 अस्पतालों में आयुष्मान योजना के करीब 1000 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। योजना के तहत किस तरह से मरीजों का उपचार हो रहा है, अस्पतालों में मरीजों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है और अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर सांसद शंकर लालवानी और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने जिलाधीश मनीष सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बीती शाम शहर में गीता भवन क्षेत्र में SITCL परिसर में अस्पताल संचालकों और मालिकों के साथ चर्चा की। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चा के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री तुलसीराम सिलावट जी की अध्यक्षता में इंदौर के उन सभी हॉस्पिटलों के मैनेजमेंट डॉक्टरों के साथ और हमारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई जो आयुष्मान में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आयुष्मान के इंदौर में हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं और सबसे ज़्यादा 1000 से ज़्यादा पेशेंट का इलाज अभी तक हो चुका है। माननीय मंत्री जी ने हॉस्पिटल के सभी मैनेजमेंट के लोगों से उनकी क्या समस्याएं हैं और मुख्यमंत्री की क्या अपेक्षा है वो उनके बीच में रखी। मुझे लगता है कि अच्छे वातावरण में, खास करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना प्रारंभ की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 40% और एड करके जो पैकेज बनाया है वो निश्चित तौर पर मध्यम और गरीब वर्ग को लाभदायक होगा। सांसद शंकर जी ने ये योजना हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रारंभ हुई। इस योजना को इस संकट में, इस आपदा में, इस महामारी में, इस कोविड में नए स्वरूप में मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री राज जी ने रखा। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से सम्माननीय मुख्यमंत्री को, ये देश का पहला प्रांत है कि आयुष्मान में युद्ध स्तर पर ये कोविड निःशुल्क मुख्यमंत्री योजना प्रारंभ की। मात्र अभी इसी 7 तारीख को की, ये पूरे मध्य प्रदेश में इस योजना को कार में परिणित करने का शंकर जी एक ऐतिहासिक काम हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा शहर है। जो यहाँ पर पिछले आयुष्मान में 5 या 7 अस्पताल हुआ करते थे, आज 77 हैं। 1013 मरीज इसका उपचार कर रहे हैं और आयुष्मान के 9 लाख से ऊपर कार्ड बन चुके हैं, क्योंकि आज इस संकट की, इस महामारी, इस कोविड में जो हमारे योद्धा थे, मैंने इनके मुख्यमंत्री की ओर से इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनसे अनुरोध किया है कि इंदौर आपके जीवन के 10 दिन मांग रहा है। समाज के उस व्यक्ति के लिए जो आज भरी दृष्टि से, जो आज इस आपदा से, इस संकट से लड़ रहा है, आपके अस्पताल में आया है, उसको विश्वास के साथ जो आपकी सेवा का संकल्प है उसकी प्रकार से आप उसका उपचार करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर के जो ये चिकित्सक हैं पूरी समर्पित भाव से हमें सहयोग कर रहे हैं। मैं फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से इन सारी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।